अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। वालेकुम, मेरा नाम हाजिरा है और बोलते सो मैं 15-20 दिन से घर में बैठे हुई हूं। मेरे को घर में खाने कुछ भी नहीं है, कोई इमदाद नहीं कर रही। अल्लाह के लाला, कोई भी अगर इमदाद करना चाहे तो सादत नगर में लाके दीजिए। गरीब लोग हैं यहाँ पर, खाने के वास्ते कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास खाने को, कल सारा दिन बच्चे भूखे थे हमारे तने। कोई नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी थोड़ी बहुत इमदाद करे हमारे को, बस इससे ज्यादा हमारे कोई जरूरत नहीं है हमारे को। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, कोई भी रहने दो, हमारे सादात नगर में कोई भी मदद करो। बाल बच्चे वाले भूखे मर रहे हैं। देखो मेहरबानी, देखो दुर्दाना होटल कने सादात नगर नवी ब्रिज तलब, कोई एक दाना इधर या बस्ती में नहीं लाके दिए। देखो गरीबा सब तरस रहे। देखो किराएदारा भी है, अच्छे भी है, गरीब भी है, यतीम भी है, बेवाया भी है, गरीबा भी है, बुढ़ियों भी है, कोई लाके कोई नहीं दिए हमारे महल्ले के अंदर अब तलक। आप मेहरबानी करो, देखो इतनी मेहरबानी करो, कोई भी रहने दो हमारे महल्ले में, कुछ भी पहुंचा दियो हमको, गरीबों को इतनी मदद करो। अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह बरकातहु, आज लिबा की दुआ है। खाने कुछ भी नहीं है, मैं भूखी हूँ, यतीम, खाने कोई नहीं है, मदद कोई नहीं कर रहे। बोलो, कोई नहीं करते है मदद, बेटा मैं यतीम, छोटे छोटे बच्चे खाने वाले नवासे पोतरे, कोई मदद नहीं करते हैं। तुम मदद करेंगे मेरे हाजी अली बाबा, तुमको मदद करेंगे हाजी अली। नाज़रीन, कोरोना वायरस को देखते हुए जो हैदराबाद में हालत बन रहे हैं, अवाम जिसके पास कुछ नहीं है, जो रोज कमाते थे और खाते थे, जो ऑटो चलाते थे, जो रिक्शा चलाते थे, ऐसे लोग जो मजदूरी करते थे और अपना पेट पालते थे, उनकी बस से बदतर हालत बनती जा रही है। अगर वो सड़क पर निकले तो पुलिस के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, और वो घर में रहे तो अनाज उनको नहीं मिल रहा है। और हुकूमत की जानिब से 500 रुपए देने का जो वादा किया था और अनाज देने का जो वादा किया था, वो वादे पर भी कुछ अहदेदार सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर भी कुछ लीडर अपने अपने लोगों को दिलवा रहे हैं राशन। जो गरीब है वो और खत्म होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर बनता जा रहा है। शहर हैदराबाद की बस से बदतर हालत बनती जा रही है, खास तौर के पुराने शहर में जिस तरह से आवाम को परेशान किया गया है। नहीं तो उनके पास राशन पहुंच रहा है, नहीं तो किसी किस्म की सहूलत पहुंच रही है। हमारे नुमाइंदे तकीउर रहमान ने ये रिपोर्ट ली, उनको इत्तला मिली छतरी नाका कंदीगल गेट शादाब नगर इलाके में मुसलसल आवाम परेशान है, तो ये जाकर वहाँ पर आवाम से मुलाकात की और उनसे बात की, तो उन्होंने क्राइम टुडे से बात करते हुए अपनी तकलीफ सुनाई। अगर कोई मदद करना चाहता है, अगर किसी के पास इंसानियत बाकी है, तो ऐसे लोगों तक पहुंचे, उनके घर तक पहुंचे और उनको राशन तकसीम करें। ऐसे कई लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है। कुछ पॉलिटिकल लीडर और कुछ पुलिस के मुखबिर, दलाल, ब्रोकर और कुछ ऐसे लोग राशन की दुकानों पर जाकर अपने राशन ले रहे हैं और दिलवा रहे हैं अपने लोगों को। किराना शॉप वालों को डराकर उनसे राशन लिया जा रहा है और पुलिस खामोश तमाशाई बनकर बैठी है। अगर कोई अपने काम से निकलता है तो उस पर जुल्म कर रहे हैं, राशन के लिए खड़ता है तो उस पर जुल्म कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। अब ये जो हालात है, ये हालत को देखते हुए वो नौजवानों की जिम्मेदारी है जो भी राशन तकसीम कर रहे हैं, ऐसे इलाकों में जाएं, तहकीक करें और जो भूखा है, जिसको राशन नहीं मिला, उसको राशन पहुंचाएं, ताकि हम जो भी मदद करते हैं वो सही जगह अगर मदद हो तो हम मुतमईन हो सकते हैं और उसकी दुआ से आपकी कमाई में बरकत भी हो सकती है। उम्मीद है कि ऐसे इलाकों में जाएंगे और इन तक पहुंचेंगे जिन्होंने क्राइम टुडे के जरिए अपनी आवाज रखी। हम शुक्रिया अदा करते हैं इन माओं बहनों का जिन्होंने क्राइम टुडे न्यूज पर भरोसा रखा और क्राइम टुडे न्यूज के जरिए ही अपनी बात को रखी और हम पर एतमाद रखा। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे आम आदमी के जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात है, उसको मंजर आम पे लाएंगे। जितनी भी हमारी कोशिश होगी, हमारी जो जिम्मेदारी है अवाम के मसलों को उठाना, हम यकीनन उठाते रहेंगे। और अवाम का जो भरोसा और जो एतमाद हम पर है, वो एतमाद को हम बरकरार रखेंगे और ऐसे ही अवाम के दरमियान रहकर काम करेंगे और हुकूमत तक इनकी आवाज को पहुंचाएंगे, ताकि इनके मसले जल्द से जल्द हल हो। तकीउर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। हाँ, मेरे को चलना भी नहीं आ रहे, मेरे बेटे को जाने को नहीं दे रहे, मेरे कैसा कौन मदद करता है बोलो। मदद करने वाले को जो है तो सामने आके सदर नगर मनोहर मस्जिद के सामने आके हम लोग को कुछ करो, मदद करो तो अच्छे है। तो हम लोग जीते जी कुछ खा लेंगे, मरने से पहले। बीमार तो ऐसे भी लग गया, कुछ कभी कुछ हो सकता है,
इससे पहले आप लोग मदद करके आगे बढ़ के कुछ खिलाए तो हम लोग का आखे तो मरेगा। कई को रख के रखे किसको खिलाने के लिए आप लोग रख रहे हैं गोडाउन में भर भर के, जिसको जिसको छाने वालों को दे रहे हैं, जिसको लीडर को दिया तो उन्होंने जाके बोलता है तुम्हारे नाम का नहीं आया जा मां जा बोल के आखल दे रहे, हमारे सामने दूसरों को पोटली पोटली बिटा भिजा दे रहे, कई को ऐसा दे रहे आके खुल्ला खुल्ला सबको घर घर को हम माँ बहनों को बुला के पहला तो दे अच्छा दिखता है ऐसा किसी को बड़ा तो पना करके भिजाया तो उन लोग अपना मुंह देख के दे रहे गाय को ऐसा ये टाइम है मुंह देखने का सबका लिए दे ये दिन देने के लिए कोई अच्छे लोग को देना बुरा लोग को नहीं देना बोल के मुंह देख देख के दे रहे आप लोग खाओ ना जो भी मदद करते हैं आके सामने ठहर के आप लोग देख के जाना उनको इनको बीच में कहीं को ठहरा रहे आप लोग क्या वोटिंग आई है ठहरा के आप लोग नहीं आ सकते हम लोग वोटिंग के टाइम पे नहीं आ रहे आके काला अम्मा बहना आओ और दालो बोल रहे अभी क्यों नहीं आ रहे आप लोग किधर गए आप लोग कहाँ गए आप लोग जब भी बोलते हाँ बेटा हाँ माँ हाँ आ काला हाँ पुप्पू हाँ नानी हाँ दादी बोल के सब आते हैं अभी क्यों नहीं आ रहे सामने कौन है प्राइम मिनिस्टर कौन है कोई देने वाला है नहीं है नहीं है तो बोला हम लोग ऊपर वाले से मांगता है जो भी देना उन्होंने दे देते है आप लोग को नक्को वोटिंग कभी नक्को देने कभी नक्को तुम्हारा गोदाम में भर के रख लिया आप लोग खाओ तुम्हारा बाल बच्चों को जो है खानदान वाला को है खाने वाला तो खा लो जितना कार है खा लो भर लो आप लोग जो हर बुटा बुटा होने तक राशन भर के हम सादत नगर के रहने वाले हैं दुर्गाना होटल के पास कथिया हो के इतने दिना हो गया हमारे को कोई एक दाना चावल का दिए है ना कुछ दिए हमारी 7 महीने की पोतरी है हमारे को दूध दूध को तरस रही हमारे को खाने को नहीं है पैरों में चलने नहीं आता आंखों को दिखता नहीं हमारे किसका ने जाके हम मंगना कौन देते अदल बदल भी हमारे को हम बिल्कुल तरस रहे खाने खाने को पानी पानी को हम लोग सुने नहीं सब जने मदद कर रहे हर जगह दे रहे हर जगह दे रहे याकूपुरा डबिलपुरा हर जगह दे रहे हैं सादत नगर में कोई लाके एक दाना हमारे को नहीं दिए घर पे देते जाओ घर पे देते जाओ बोल के बोले पन घर पे आके बैठे तो भी कोई नहीं दिए हर महल्ले में बांट रहे पन हमारे को कुछ नहीं मिला हमारे को एक तो हम आंखों के मजबूर है हम पैरों के मजबूर है हम चल नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते हम छोटे छोटे दो पोतरा पुत्री है हमारे कने क्या कमाना क्या खाना हम बाहर निकले तो लाठियों से मार रहे कहाँ जाके रहना बोलो अब हम पर भाई बोल के नहीं है हमारे को कोई भी दे के लाने दो हमारे को कोई भी एक दाना दे दो हम पेट भर के खा के सो जाते हैं हम थोड़ी देर पानी पी के 15 दिन हो गया हमारे कने कुछ नहीं है हमारे कने क्या खाना हम क्या पीना बोलो हम डिकॉशन पी रहे खाली नमक की डिकॉशन पी के रह रहे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रहमतुल्लाह बरकातहु आगे विवाह की दुआ है खाने कुछ भी नहीं है मैं भूखी हूँ खाने कोई नहीं है मदद कोई नहीं कर रहे बोलो कोई नहीं करते है मदद बेटा मैं छोटे छोटे बच्चे खाने वाले नवासे पोतरे कोई मदद नहीं करते हैं तुम मदद करेंगे मेरे हाजी अली बाबा तुमको मदद करेंगे हाजी अली वालेकुम मेरा नाम हाजिरा है और बोलते सो मैं 15-20 दिन से घर में बैठे हुई हूँ मेरे को घर में खाने कुछ भी नहीं है कोई इमदाद नहीं कर रही अल्लाह के लाला कोई भी अगर इमदाद करना चाहे तो सादत नगर में लाके दीजिए गरीब लोग हैं यहाँ पर खाने के वास्ते कुछ नहीं है छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास खाने को कल सारा दिन बच्चे भूखे थे हमारे घने कोई कोई नहीं है कुछ नहीं है हमारे पास प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी थोड़ी बहुत इमदाद करे हमारे को बस इससे ज्यादा हमारे कोई जरूरत नहीं है हमारे को। अस्सलाम वालेकुम देखो भाई कोई भी रहने दो हमारे सादत नगर में कोई भी मदद करो बाल बच्चे वाले भूखे मर रहे हैं देखो मेहरबानी देखो दुर्दाना होटल कने सादत नगर नवी ब्रिज तलब कोई एक दाना इधर या बस्ती में नहीं लाके दिए देखो गरीबा सब तरस रहे देखो किराएदार भी है अच्छे भी है गरीब भी है यतीम भी है बेवाया भी है गरीबा भी है बुढ़ियों भी है कोई लाके कोई नहीं दिए हमारे महल्ले के अंदर अब तलक आप मेहरबानी करो देखो इतनी मेहरबानी करो कोई भी रहने दो हमारे महल्ले में कुछ भी पहुंचा दियो हमको गरीबों को इतनी मदद करो।